नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड साइंस और टेक में। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड साइंस और टेक में। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड साइंस और टेक में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अखिल चौधरी। तो गाइस, आज आपको नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड साइंस और टेक में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अखिल चौधरी। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो हमारे फ्लैश इवेपोरेटर के बारे में होने वाली है। तो गाइस, एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेंगे तो आपके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगी मन में, वो सारी क्लियर होने वाली है। इस बात की मैं गारंटी देने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब करिए गाइस, वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तो गाइस, अगर आपकी कोई भी डाउट और सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करना। इससे पहले कि गाइस मैं वीडियो पे जाऊं, तो मैं गाइस आपको इवेपोरेटर के बारे में कुछ बताने वाला हूं। अगर गाइस इवेपोरेटर के बारे में आपको कुछ जानना है, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर और मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर, तो गाइस उस वीडियो का लिंक आपको अभी दिखाई दे रहा होगा उस आई बटन पे। तो आई बटन पे जाइए गाइस, उस वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से उसमें से नॉलेज गेन करिए। चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा वीडियो पे चलते हैं। फ्लैश एवेपोरेटर का, तो गाइस इसका मैं वर्किंग बताने से पहले आपको मैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले गाइस शुरुआत करते हैं हमारा क्लीन स्टीम, मतलब कि साफ वाप, मतलब कि बहुत ही कम इसमें आप कह सकते हैं ड्रॉपलेट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्टीम होनी चाहिए। और गाइस ये स्टीम के कॉलम है, ये जितने भी आपको वाइट पोर्शन में दिखाई दे रहे होंगे ये स्टीम के कॉलम है, और ये पासवे है जहाँ से हमारी फीड निकल के आएगी। तो गाइस ये हमारी पूरी ट्यूब यहाँ से लेके यहाँ तक, गाइस इसे हम कह देते हैं फ्लैश इवेपोरेटर। और यहाँ से गाइस हमारे निकलते हैं कंडेंसेट, जो आपको मैं लेटर वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस ये हमारी फीड है, यहाँ से हम अपनी मटेरियल को पंप करेंगे फीड इन अ लिक्विड फॉर्म। तो गाइस ध्यान रखिए, ये मटेरियल लिक्विड के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये हमारा पंप जो कि हमारी फीड को बहुत ही तेज स्पीड से पंप करेगा हमारी फ्लैश इवेपोरेटर में। तो गाइस से आगे आता है हमारा सेपरेटर, सेपरेटर जो कि हमारा वेपर्स को अलग करेगा और हमारे कंडेंसेट मटेरियल को अलग करेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट लेके आएगा। तो गाइस ये है हमारा लिक्विड लेवल गेज। तो गाइस ये लिक्विड लेवल गेज करता क्या है, मतलब कि बताता है कितना लेवल ऑफ लिक्विड इसके अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है, और जिस हिसाब से इसकी रेटिंग मतलब ये बढ़ता जाएगा तो ये भी साथ साथ में बढ़ता जाएगा। तो और आपको गाइस बता दूं, किसी किसी फ्लैश इवेपोरेटर में हमारा साइक्लोन सेपरेटर भी लगा होता है। साइक्लोन सेपरेटर वो कि ईजी हो जाता है, हमारा हैवी मटीरियल अलग कर देता है वो, और लाइट मटीरियल अलग कर देता है। नॉर्मली गाइस अगर देखा जाए तो हमारी फूड इंडस्ट्री में वैक्यूम साइक्लोन सेपरेटर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए गाइस की मैं वर्किंग बता देता हूँ। अगर आप ये गाइस पूरी वीडियो देख लोगे ना तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बारे में। तो इस ये गाइस इसकी अब शुरुआत करते हैं, हम वर्किंग करते हैं फीड को इनपुट करके, जो कि लिक्विड के फॉर्म में हमारी फीड होगी। पंप के थ्रू हम पंप करेंगे, जो कि हाई स्पीड में पंप करेगा हमारे फ्लैश इवेपोरेटर के अंदर। और साथ साथ में अगर अब देखा जाए तो फीड के साथ हमारी क्लीन स्टीम भी पंप करती है, जो कि उसकी स्पीड को और इंक्रीज कर देती है। फ्लैश मतलब गाइस होता ही क्या है, जो कि तेज चीज, कोई चीज जो कि बहुत ही तेज स्पीड में मूव कर रही हो। तो अगर के हम स्टीम को इनलेट करते हैं, उसकी स्पीड को और इंक्रीज कर देते हैं। तो गाइस ये हमारी स्टीम है,
स्टीम जब हम इसमें से पुट करते हैं तो कम से कम इसका जो हमारा लिक्विड मटेरियल का टेम्परेचर होता है वो 150 डिग्री तक इंक्रीज़ हो जाता है। 150 डिग्री तक इंक्रीज़ होने के बाद उसकी वेपोरेशन हो जाती है, जो उसका लिक्विड पार्टिकल जो जिसका नाम हम कंडेंसेट रखते हैं वो यहाँ से निकल जाता है, आउटलेट हो जाती है, और सिंपल हमारा जो मटेरियल होता है जो ड्राई फॉर्म है उसे यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है और टाइम टू टाइम इसे रिमूव कर लिया जाता है अपने मटेरियल को। तो इससे होता क्या है गाइज, अगर हम देखेंगे तो कुछ फाइन मटेरियल वेपर्स जो मटेरियल में हम बच जाते हैं, यहाँ से निकल नहीं पाते, एग्जिट नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेपरेटर से एक कॉलम में तो हमारा ड्राई मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, तो गाइस इसमें तीन कॉलम बने होते हैं जिसमें से हमारा एक वेपर कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कंसनट्रेट प्रोडक्ट मिल जाता है हमें यहाँ पे आखिर में। तो इसमें अगर आप देखेंगे गाइस, ये हमारा जो भी वेपर पार्टिकल्स है वो वेपरेटर होके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा आ रहा है गाइस फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। तो गाइस ये मटेरियल उन मटेरियल से निकलेगा जिसमें से हमारा फ्लेवर और एसेंस निकल चुका हो। तो उन मटेरियल में से अगर देखो कुछ पाउडर में से हमारा एसेंस और मटेरियल निकल गया, वो वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं, तो इस वेपर को भी हम अलग कर लेते हैं जिसका नाम करते हैं हम एसेंस रिकवरी इक्विपमेंट के थ्रू। एसेंस रिकवरी इक्विपमेंट एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें से हम वाटर को अलग कर लेते हैं, वेपर को अलग कर देते हैं, एसेंस को अलग कर लेते हैं, और बाद में वहाँ से जो प्रोडक्ट एसेंस निकल के आता है वो हम फाइनल प्रोडक्ट में डाल देते हैं, ताकि ओवरऑल सारी मटेरियल के एसेंस एक बराबर हो जाए, कोई भी मटेरियल बिना एसेंस के ना बच पाए। तो गाइस ये होता, ये एसेंस रिकवरी इक्विपमेंट से करा कैसे जाता है, तो गाइस हम पानी को जो वेपर होता है उसको अलग बॉयल करते हैं, और एसेंस के टेम्परेचर को दोनों को ध्यान में देकर हम बॉयल करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा एसेंस हमें इजीली मिल जाता है, और एसेंस को हम फिर से अपना फाइनल मटेरियल में यूज़ करके उसे फाइनली कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये गाइस ये हमारा कंसनट्रेट प्रोडक्ट है, जो बचा कुचा मटेरियल होता है वो यहाँ पे आता है, कंसनट्रेट प्रोडक्ट यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है और हमारा प्रोडक्ट मिल लिया जाता है। तो गाइस ये नॉर्मल ही हमारा कह सकते हैं हमारा पूरा होल इको सिस्टम है फ्लैश इवेपोरेटर का। उम्मीद है कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगी, सारी क्लियर होने वाली है। तो अगर कोई भी डाउट हुआ तो कोई भी कंफ्यूजन हुई तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर देने वाला हूँ। अगर गाइस आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करते हुए जाना, नीचे चैनल का सब्सक्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं आप, लाल कलर का लिखा होगा वहां पे, उसे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।